ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேம்ஷோ, வணக்கம், சஸ்ரியகால், நமஸ்கார், குட் ஈவினிங். மேன் சப் குச்ச ஆப்கோ விஷ் கர் தியா ஹை. மே கன்ஷாம் ஆப்கா இனாயத் ஹெண்டல் யூடியூப் சேனல் மே ஹம் ஆப்கா ஹார்திக் ஸ்வாகத் கர்தே ஹை. தோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆப் பஹலே ஹம்னே பஹலே வாலே ஆடியோ மே ஹம்னே தேகா தா கி கீபோர்ட் ஓரியன்டேஷன் கேசே கர் சக்தே ஹை, கவுன்சி கீ சே கவுன்சி கீ ஹம் கவுன்சி உங்கலி சே கவுன்சி கீ ஹம் பிரஸ் கர் சக்தே ஹை. மீன்ஸ் ஓவரால் ஹம்னே पूरा कीबोर्ड ओरिएंटेशन देखा था. तो आज हम देखेंगे अब डेस्कटॉप के बारे में. डेस्कटॉप में हम देखेंगे डेस्कटॉप का यूज क्या है, डेस्कटॉप का लेआउट मीन्स डेस्कटॉप कैसा दिखता है और डेस्कटॉप का यूज क्या है. ओके और डेस्कटॉप के डेस्कटॉप पे हम नेविगेशन मीन्स एक एप्लीकेशन से या एक प्रोग्राम से दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे प्रोग्राम पर कैसे जा सकते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. अब तो हम आपको पहले एक एग्जांपल देना चाहते हैं. शीला करके एक एक एक्टर है गर्ल्स हॉस्टल की. तो उसके पास सारे गर्ल्स का डेटा रहता है, मीन्स कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, एड्रेस है. तो उसमें क्या होता है कि शीला जो एक्टर है उसके पास पहले तो अर्पिता करके एक मैम आती है. तो उसको वो किसी लड़की का डेटा पूछती है. तो शीला मैम उसको दो से तीन सेकंड में ही पूरा डेटा दे देती है उस लड़की का. ओके बाद में दो मिनट के बाद एक प्रेरणा करके एक मैम आती है. तो प्रेरणा मैम उसको दूसरी लड़की का डेटा देती है, सॉरी डेटा मांगती है. तो शीला मैम उसको भी तुरंत ही दो से तीन सेकंड में ही डेटा दे देती है. तो हम आपको एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि शीला मैम है इतना डेटा, इतने सारी लड़कियों का डेटा में से गिनी चुनी मीन्स जल्दी से जल्दी वो डेटा क्यों दे पा रही है, क्यों दे देती है सारी लड़कियों में से किसी एक का डेटा चाहिए तो भी वो क्यों इतनी फटाफट मीन्स क्विकली दो से तीन सेकंड में दे देती है. हम आपको पांच सेकंड का आंसर के लिए 5 सेकंड देते हैं. ओके तो हम आपको उसका आंसर बाद में देंगे. दूसरा है कि हाँ हम आपको आंसर अभी दे देते हैं क्योंकि वो इतना डेटा इतनी सारी लड़कियों में से किसी भी लड़की का डेटा इतनी जल्दी से दे देती है क्योंकि उन्होंने ये लड़कियों की जो डेटा है उसकी फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई आती है. तो डेस्कटॉप पे रखी हुई होने के कारण वो क्विकली तुरंत किसी भी लड़की का डेटा सर्च करके तुरंत दे देती है. ओके तो हम दूसरा आपको एग्जांपल देंगे. फ्रेंड्स आपने स्टडी टेबल देखा है क्या? ओके स्टडी टेबल पर नॉर्मली हम क्या क्या रखते हैं? ओके तो स्टडी टेबल पर नॉर्मली हम पेन, बुक्स या बॉल पेन, ऐसी इरेजर या ऐसी चीजें रखेंगे जो हम जिसको हम स्टडी के लिए यूज कर सके. ओके कभी आपने देखा है कि आपके स्टडी टेबल पे वो है कपड़े रखे हो या तो फिर दूसरी कोई और चीज रखी हो? नहीं ना, क्योंकि स्टडी टेबल पर हम स्टडी के रिलेटेड चीज ही रखते हैं. क्यों? क्योंकि उसको हम जल्दी से ढूंढ पाए और जल्दी से अपना काम कर पाए. ओके फ्रेंड, हम आपको ये डेस्कटॉप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ हम आपको जो विजुअल इम्पेयर स्टूडेंट है वो कौन सी जॉब कर सकते हैं मीन्स उसके डेस्कटॉप के यूज से हम कौन सी जॉब कर सकते हैं. तो उसमें एक जॉब का नाम है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव. ओके फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव में एक रघु करके एक बंदा है वो काम करता है. तो वो सारे कस्टमर और सारे एम्प्लॉयर की डिटेल वो अपने पास रखता है और कभी भी किसी को भी ये फाइल चाहिए मीन्स किसी को भी किसी कस्टमर या एम्प्लॉयर की डिटेल चाहिए तो सारी कंपनी में से कोई भी उसके पास आएगा ये डिटेल लेने के लिए और रघु उसको तुरंत ही दे देता है. तो उसका भी एक कारण है कि वो जो अपनी फाइल है जो सारे कस्टमर्स है जो एम्प्लॉयर है उस सब को वो डेस्कटॉप पे रखता है. तो अभी तो मैंने आपको इतने दो से तीन एग्जांपल दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेस्कटॉप का यूज क्या है. तो फिर भी हम आपको आंसर दे देते हैं. डेस्कटॉप एक ऐसी जगह है कि जहां से हम अपनी जो रोजमर्रा की जो आइटम है मीन्स जो फाइल को हम हर रोज हर बार यूज करते हैं उस फाइल को हम वहां पर डेस्कटॉप पे रख सकते हैं क्योंकि उसका हमें आवश्यकता होती है तो आई थिंक आपने मोबाइल पे भी देखा होगा. मोबाइल आप सब लोग यूज करते हैं, अभी तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन का समय आ गया है.
तो स्मार्टफोन में भी आपके जो फोन होगा उसमें एक ऑप्शन होता है होम बटन, होम स्क्रीन पर आप जो भी एप्लीकेशन को रखना चाहे उसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन को हमें हर बार मीन्स जरूरत, हर बार उसकी जरूरत पड़ती ही है और उससे हम रखते ही है। मीन्स वो डेस्कटॉप पे जो डेस्कटॉप का काम मोबाइल पर होम स्क्रीन जैसा है, मीन्स हमको जिस फाइल की आवश्यकता हर बार रहती है उसको हम डेस्कटॉप पे रख सकते हैं और उसको हम क्विकली यूज करके हम अपने समय को बचा सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने डेस्कटॉप के बारे में सिंपल देखा, अब देखते हैं उसके बारे में। तो जब तुम कंप्यूटर ऑन करते हो, जब तुम तुम्हारा सिस्टम ऑन करते हो तो पहले हमको डेस्कटॉप ही नजर आता है। जब तुम तुम्हारे सिस्टम की शुरुआत करते हो तब डेस्कटॉप ही पहले तुमको डेस्कटॉप के ही दर्शन होंगे। दूसरी चीज ये है कि डेस्कटॉप पर आप कई फाइल अपने आप ही देखोगे, मीन्स कई फाइल डेस्कटॉप पे आपको दिखी जाएगी। लाइक वो मीन्स जो ये फाइल वो कंपनी ही, जिस कंपनी से तुम्हारा सिस्टम या लैपटॉप बना होगा वहां पर ही वो लोग रखते हैं। लाइक किसे नेटवर्क है, माई कंप्यूटर है, रिसाइकल पिन है, तो ये सारी एप्लीकेशन है बाय डिफॉल्ट आपके डेस्कटॉप पे दिखेगी ही। वो कभी मे भी हो सकता है कि किसी भी किसी के लैपटॉप या सिस्टम पे कम ऐसे एप्लीकेशन हो, किसी के सिस्टम या लैपटॉप पे ज्यादा हो। वो डिपेंड हो कि वो कौन सी कंपनी का बना हुआ है, मीन्स वो कौन सी कंपनी का लैपटॉप या सिस्टम है। ओके, दूसरी चीज ये भी है कि डेस्कटॉप पे तुम अपने लिए जो तुमको हर रोज जिस चीज, जिस फाइल, जिस एप्लीकेशन, जिस प्रोग्राम का यूज होता है, हर रोज यूज करना होता है, उसको भी तुम डेस्कटॉप पे रख सकते हो। ओके, तो नॉर्मली जब तुम डेस्कटॉप पे कोई भी चीज को देखोगे तो वहां पर पहले उसका चित्र आएगा, बाद में एनवीडिया उसका नाम बोलेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि ये जो चित्र आता है, ओके, वो चित्र क्यों आता है, यो चित्र को क्यों रखते हैं वो लोग? ओके, हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। ओके, तो उसमें ये है कि 5 सेकंड का वो लोग समय, मैंने आपको समय दिया, तो उसमें ये है कि जो साइटेड पर्सन है या पर्सन विथ नॉन डिजेबल है वो उसको देख सके, और जो विजुअली इम्पेयर पर्सन है या लो विजन है वो उसको सुन के काम कर सके। मीन साइटेड लोग है जो उस चित्र से देख सकता है कि रिसाइकल पिन है, तो रिसाइकल पिन का उसका ऊपर पहले फोटो आएगा, चित्र आएगा, बाद में एनवीडिया उसका नाम बोलेगा रिसाइकल पिन। ओके, तो मीन्स ये जो सारे चित्र होते हैं, ओके, तो उसको हम आइकॉन कहते हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? आइकॉन। ओके, तो ये तो थी कि डेस्कटॉप का क्या यूज है और डेस्कटॉप में हम क्या क्या देख रख सकते हैं और क्या यूज है। ओके, अब हम देखेंगे डेस्कटॉप लगता कैसा है। ओके, तो तुम सब लोगों को पता होगा डेस्कटॉप का आकार रेक्टेंगल शेप जैसा होता है। ओके, रेक्टेंगल शेप मीन्स आपको पता होगा, आपने आई थिंक कर्ड का पैकेट देखा होगा। ओके, तो कर्ड का पैकेट में जो होता है उसका सेम डेस्कटॉप का आकार सेम टू सेम वो रेक्टेंगल शेप जैसा होता है, कर्ड का पैकेट जैसा। ओके, तो डेस्कटॉप पे हम रोज और कॉलम रख सकते हैं। ओके, मीन्स डेस्कटॉप पे जो आइटम होती है वो रोज और कॉलम में रहती है। हम आपको समझाएंगे रोज और कॉलम के बारे में भी। रोज, आप सब लोग मंदिर में जाते हैं ना, ओके, मंदिर में आप दर्शन करते हो तो कैसे खड़े होते हो? एक के पीछे एक, मीन्स वो रो। ओके, रो मीन्स एक के पीछे एक। ओके, और जब आप घर में खाना खाने बैठते हो, ओके, तो घर में खाना खाने के लिए आप कैसे बैठते हो? एक के बाजू में एक, ऐसे ना, तो वो कॉलम हुआ, मीन्स एक के पीछे एक वो रो हुआ, और एक के बाजू में एक वो कॉलम हुआ। ओके, तो ये है कि मे बी आपको आपने जब डेस्कटॉप देखा होगा या तो फिर किसी जगह आपने वो डेस्कटॉप पे आइटम देखी होगी, तो वो यूज जो सिस्टम यूज कर रहा है उस पे डिपेंड हो कर सकता है। क्योंकि कभी हो सकता है कि किसी के डेस्कटॉप पे ज्यादा आपको प्रोग्राम या एप्लीकेशन नजर आए, किसी के सिस्टम पे आपको कम, या किसी के सिस्टम पे आपको कम वो जो फाइल है या एप्लीकेशन है वो नजर आए। तो वो ओवरऑल जो सिस्टम जो यूज कर रहा है, जो बंदा सिस्टम को यूज कर रहा है, वो आपको उस पे डिपेंड है। ओके, वो तो हमने देखा डेस्कटॉप दिखता कैसा है। ओके, अभी हम डेस्कटॉप पे कैसे जाए उससे पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं। आई थिंक आपको किसी को कॉल करना है। ओके, यानी कि मेरा ही एग्जांपल पर ले लो आप, मुझे राजश्री को कॉल करना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाऊंगा
बाद में दूसरा स्टेप ये होगा कि मैं राजश्री का कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढूंगा, उसके बाद में तीसरा स्टेप ये है कि मैं राजश्री को कॉल करूंगा। ओके, वैसे ही सेम टू सेम डेस्कटॉप पे भी यही होगा। पहले तुमको डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है या फाइल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में ही उसको, तीसरा स्टेप यह है, उसको ओपन करने के बाद तुमको उसमें काम करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम अभी देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे हम कैसे जा सकते हैं। दो तरीका है डेस्कटॉप पे जाने का। पहला तरीका यह है विंडोज डी से हम डेस्कटॉप पे जा सकेंगे। ओके, डेस्कटॉप पे हम गए। ओके, तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद हमको ये पता करवाना है कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ या नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा, हम आप लोगों को 5 सेकंड का समय देते हैं कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं डेस्कटॉप पे ही हूँ। ओके, तो ये है कि मैंने आपको पहला स्टेप तो ये बताया कि डेस्कटॉप पे जाने के लिए विंडोज डी से हम डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद तुमको पहले टाइटल चेक करना पड़ेगा कि तुम डेस्कटॉप पे हो या नहीं। तो हम टाइटल कैसे जान पाएंगे, इंसर्ट टी से हम टाइटल जान पाएंगे। तो नॉर्मली जब तुम इंसर्ट टी से जब टाइटल चेक करोगे तो नॉर्मली या तो वो बोलेगा एक्सप्लोरर या तो प्रोग्राम मैनेजर, उस दो में से किसी एक चीज को एनवीडीए पढ़ के आपको सुनाई देगा। मीन्स तब आपको समझना है या तो वो बोलेगा प्रोग्राम मैनेजर या तो वो बोलेगा एक्सप्लोरर। तो आपको तब समझना है कि मैं डेस्कटॉप पे हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे किसी फाइल को तुमको ओपन करना है। ओके, तो इस फाइल को आप कैसे ओपन करोगे, मीन्स कैसे तरीके से ओपन करोगे, हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। ओके, तो हमने आपको क्वेश्चन पूछा था कि आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो कैसे ओपन करोगे। पहली चीज तो ये है कि आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको उसके पहले अपना फोकस चेक करना पड़ेगा, मीन्स मेरा फोकस इस फाइल पे है या नहीं, उसके बाद ही आपको एंटर से उसको ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि डेस्कटॉप पे हम कैसे जा सकते हैं और कैसे कोई फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक कमांड बताया था कि डेस्कटॉप पे तुमको जाना है तो तुम कैसे जाओगे विंडोज डी से। ओके, तो हम अभी विंडोज डी की प्रेस कर रहे हैं। तो अभी हम विंडोज डी की प्रेस कर रहे हैं। ओके, अभी ये है कि मैंने प्रेस किया कि विंडोज डी से मैं डेस्कटॉप पे गया। तो मुझे अब ये पता करवाना है कि क्या मैं डेस्कटॉप पे हूँ या नहीं हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल चेक करेंगे, कौन से की से, इंसर्ट टी से। ओके, हम टाइटल प्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो बोला ना प्रोग्राम मैनेजर, हमने आपको पहले भी बताया था कि या तो वो एक्सप्लोरर बोलेगा या तो फिर वो प्रोग्राम मैनेजर बोलेगा। ओके, या तो एक्सप्लोरर या तो प्रोग्राम मैनेजर। हम आपको एक चीज बताना भूल गए थे पहले कि हमको किसी आइटम पे हमारा फोकस है या नहीं, फोकस चेक करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करेंगे, इंसर्ट टैब या इंसर्ट अपेरो। ओके, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एज ए विजुअली इम्पेयर पर्सन, आपको अगर आप इंसर्ट टैब की प्रेस करते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
मैं ये नहीं कहता कि आपको इंसर्ट अपीयर से चेक करना नहीं चाहिए, लेकिन इंसर्ट टैब हमारे लिए बहुत उचित है। ओके, तो अभी हम डेस्कटॉप पे गए, अब हम आपको डेस्कटॉप पे कैसे फाइल ढूंढते हैं, मीन्स अभी हमको एप्पल फाइल ढूंढनी है। तो हमने आपको बताया था कि जो डेस्कटॉप पे जो आइटम होती है फाइल, प्रोग्राम या एप्लीकेशन, रोज और कॉलम में होती है। तो तुम एक आइटम से दूसरी आइटम पर या तो अप एरो डाउन एरो से या तो लेफ्ट एरो राइट एरो से, किसी भी एरो से एक आइटम से दूसरी आइटम पर पहुंच सकते हो। ओके, तो अभी हम एप्पल नाम की फाइल ढूंढते हैं। ओके, चलो ढूंढते हैं अब। ये है? नहीं, ये नहीं है। Microsoft Edge 7 on 42. ये है? नहीं। Down arrow, system information 8 on 42. ओके, ये तो सिस्टम इंफॉर्मेशन है। Down arrow. याद रहे आपको एप्पल नाम की फाइल ढूंढनी है। ओके, राइट एरो, कीलेस टाइपिंग ट्यूटर 16 on 42. ये है? नहीं, ये भी नहीं है। Right arrow, he is not using it to learn computer, she is following NVDA 24 of 42. ये है? नहीं, ये भी नहीं है। Right arrow, VLC media player 32 of 42. ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। Right arrow, banana 40 of 42. Okay, ये है क्या? Up arrow to start menu instructions all apps list elements 39 of 42. ये है? नहीं। Down arrow banana 40 of 42. ये है? नहीं। Down arrow left arrow VLC meet right arrow banana. ये है? नहीं। Up arrow to start. ये भी नहीं है। Up arrow Apple 38 of 42. क्या आपने सुना क्या? ओके, एक बार फिर से हम इंसर्ट टैब से आपको सुनवा रहे हैं कि अगर आपको एप्पल बोले तो मुझे हाँ कहना है। ओके, NVDA plus tab Apple list item focused selected 38 of 42. ओके, NVDA बोला ना Apple list item focus selected. ओके, तो हमको एप्पल नाम की फाइल हमको चाहिए थी, वो हमको मिल गई है। ओके, तो हम उसको एंटर, सॉरी मैंने आपको जा भी दे दिया, उसको ओपन कैसे करेंगे हम? एंटर की से। ओके, हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं। एंटर। एप्पल वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट मल्टी लाइन Page 1, section 1, blank. Okay, तो मैंने ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन किया था पहले कि डेस्कटॉप पे गए तो टाइटल चेक करेंगे। नॉर्मली ये विजुअल इम्पेयर को याद रखना चाहिए, आप सब लोग भी ये माइंड में ही चला दो, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि तुम किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फाइल में काम करना चाहते हो तो पहले उसको ओपन करने के बाद उसका टाइटल चेक कर लो। ओके, कि जिससे तुमको पता चले कि हम किस जो फाइल ओपन करना चाहते थे क्या वो हमने ओपन की या नहीं। तो हम अभी क्या करेंगे? टाइटल चेक करेंगे। कैसे टाइटल चेक करेंगे? इनसर्ट से। ओके, हम चेक कर रहे हैं टाइटल। NVDA plus T, Apple Word. ओके, एप्पल। ओके, सही है ना? ओके, तो मैंने आपको एक चीज आगे बताई थी कि डेस्कटॉप पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला कौन सा? विंडोज डी। अभी दूसरा, अभी हम एक आपको रास्ता बता रहे हैं, विंडोज एम। विंडोज एम मींस एम फॉर मंकी, विंडोज एम। और विंडोज डी को आपको पता ही होगा, डी फॉर डोंकी। विंडोज डी से भी तुम डेस्कटॉप पे जा सकते हो, वो ऑलरेडी हम गए हैं। दूसरा रास्ता ये है विंडोज एम, एम फॉर मंकी। ओके, तो हम अभी जा रहे हैं, विंडोज एम की प्रेस कर रहे हैं। With desktop list, Apple 38 of 43. Okay, अभी हम
ये डेस्कटॉप पे है या नहीं वो कैसे जान पाएंगे? एग्जैक्टली टाइटल से। ओके, हम टाइटल से हम चेक कर पाएंगे, लेकिन कैसे टाइटल चेक करेंगे? इंसर्ट टी से। एग्जैक्टली। ओके चलो हम प्रेस कर रहे। Windows plus NVDA plus TD सॉरी। template trailer PO10 of 43. ओके, अभी एक बार फिर से हम टाइटल चेक कर रहे हैं इंसर्ट टी से। Windows plus NVDA plus TD. सॉरी, हम एक बार फिर से टाइटल चेक कर रहे हैं। Windows plus TD. Trailers work update for जस्ट month जस्ट जस्ट 1 मिनट। 23 of हाँ 43. Windows plus NVDA plus TD. Template for goals 27 of 43. Windows plus NV. Windows plus Escape. Windows. ओके, तो ऐसे ही तुम टाइटल चेक कर पाओगे। अभी हम डाउन एरो से हम ढूंढ पा रहे हैं, ढूंढना है हमको एप्पल, सॉरी बनाना। ओके Windows plus down arrow. Practical exercise of Windows 10 start menu. 1:28 of 43. Windows plus down arrow. VLC 2.2.1 Win 64:29 of 43. Windows plus right arrow orange 37 of 43. Windows plus up arrow mango 36 of 4. अभी हमें यहां से बनाना करके एक फाइल ओपन करनी है। Windows plus up arrow monthly calendar indoor template 35 of 43. अभी हम राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus right arrow Gulshan Singh 151,200,000. ये नहीं है। Windows plus down arrow. Windows plus up arrow. Windows plus up arrow. ओके, हम लेफ्ट Windows एरो की प्रेस plus करें। left arrow. Dollar apple 43 of 43. ओके, हम अभी अप एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus up arrow. Happy 41 of 43. ओके, अभी हम अप एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus up arrow. Windows plus left arrow NVDA 33 of 43. Windows अभी हम डाउन plus एरो की down प्रेस कर रहे हैं। arrow students 34 of 43. अभी हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus down arrow monthly calendar indoor template 35 of अभी हम डाउन एरो की 43. प्रेस कर रहे हैं। Windows plus down arrow mango 36 of 43. अभी हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus down arrow orange 37 of 43. अभी हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus down arrow apple 38 of 43. अभी हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं। Windows plus down arrow to start menu instructions all apps list elements 39 of 43. डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं हम। Windows plus down arrow banana 40 of 43. ओके, क्या ये आपने सही सुना? कौन सी फाइल है ये? ओके, हम इंसर्ट टैब से अभी चेक कर रहे हैं। ओके, Start button. Folder view list banana 40 of 43. NVDA plus 4. Speak command keys off. NVDA plus banana list item focused selected 40 of 43. ओके, अभी एक बार फिर से सुन लो। Banana list item focused selected 40 of 43. ओके, तो ये बनाना लिस्ट आइटम फोकस सिलेक्टेड 40 of 43। ओके, मींस कि उसका मीनिंग ये है कि जो मेरी बनाना की जो फाइल है उसका क्रम 40 है और मेरे डेस्कटॉप पे, मेरे लैपटॉप पे कुल
43 आइटम है ओके तो उसको हमें ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम Open on a Word, Microsoft Word document, edit multi-line, page 1, section 1, blank. Okay, तो ये तो था कि ये था कि तुम कैसे किसी फाइल को ये तो था कि तुम कैसे किसी फाइल को ओपन कर सकते हो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है किसी फाइल को बंद करना हो तो क्या करोगे तुम Alt F4, ओके, Alt F4 से तुम किसी भी फाइल को बंद कर पाओगे हम अभी प्रेस कर रहे हैं सॉरी उससे पहले हम आपको एक चीज बताना भूल गए कि मेरी बनाना फाइल ओपन हुई है या नहीं कैसे जान पाएंगे हम Insert T से ओके हम टाइटल चेक कर रहे हैं ये है बनाना वर्ड ओके तो हमें इस फाइल को भी बंद करना है तो हम कैसे बंद कर पाएंगे Alt F4 से अभी हम Alt F4 की प्रेस कर रहे ओके यहाँ से वो मुझे पूछ रहा है कि तुमको क्या बनाना फाइल सेव करनी है तो हमको टैब की से डॉन सेव बटन पे जाना है और वहां पर स्पेस बार कर देना ओके ओके डॉन सेव बटन पे हमको स्पेस बार करना है तो वो बंद हो जाएगी ओके हम अभी स्पेस बार की प्रेस कर रहे ओके तो ऑलरेडी हमने पहले एप्पल फाइल ओपन की थी ना तो उसको हमको बंद करने के लिए क्या करेंगे सेम टू सेम Alt F4 अभी हम Alt F4 की प्रेस कर रहे हैं ओके तो ये था डेस्कटॉप कॉन्सेप्ट हम आपको शॉर्ट में एक बार फिर से समझा रहे हैं कि डेस्कटॉप ऐसी फाइल है कि जहां पर हमको फ्रीक्वेंटली मीन्स हर रोज जिस फाइल को यूज करना होता है उसको हम रख सकते हैं और डेस्कटॉप पर जो फाइल आती है मीन्स जब तुम अपना सिस्टम ऑन करोगे तब तुमको डेस्कटॉप का ही दर्शन होंगे मीन्स पहले तुमको डेस्कटॉप पे ही डेस्कटॉप ही नजर आएगा कई बार ये होता है कि डेस्कटॉप पे कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो अपने आप इनबिल्ट होती है लाइक नेटवर्क है रिसाइकल पिन है ओके माई कंप्यूटर है तो ये डिपेंड है कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप है या सिस्टम है वो कंपनी पर डिपेंड होता है ओके डेस्कटॉप पे जो फाइल होती है उससे पहले उसका चित्र आता है कि जो चित्र से जो पर्सन विथ नॉन डिसेबल या साइटेड होगा वो पहचान पाएगा कि ये कौन सी फाइल है जो चित्र के बाद NVDA नाम बोलेगा कि जैसे हम विजुअल इम्पेयर उसको समझ पाएंगे कि ये कौन सी फाइल है और डेस्कटॉप पे जो फाइल होती है उसका जो चित्र होता है उसको हम आइकॉन कहते हैं ओके डेस्कटॉप का आकार जो होता है वो रेक्टेंगल शेप होता है लाइक तुमको मैंने ऑलरेडी बताया था कि कड़ का पैकेट है उसका जो आकार होगा ऐसे उसके जैसा होता है डेस्कटॉप पे जो आइटम होती है रोज और कॉलम में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था रोज मीन्स तुम मंदिर में जब जाते हो दर्शन करने के लिए एक के पीछे एक खड़े रहते हो वो रोज और कॉलम मीन्स जब तुम खाना खाने के लिए बैठते हो एक के बाजू में एक वो कॉलम होती है ओके तो तुमको एक आइटम से दूसरे आइटम पे जाने के लिए तुम अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो सारे कीज का तुम यूज कर सकते हो ओके तो ये है ये था डेस्कटॉप कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमको बस अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे क्वेश्चन करो हम आपको आपका क्वेश्चन सुन देखने के लिए हमको उसके लिए इंतज़ार है आपका अगर आपको यूज़फुल लगे ये ऑडियो ये वीडियो तो प्लीज़ आप उसको शेयर करो पसंद आए तो लाइक करो हो सकता है कि आप डिसलाइक भी करो लेकिन थोड़ा हमको बता मीन्स उसका रीज़न हमको बता दीजिएगा क्योंकि आपका डिसलाइक हमारे लिए एक काम कर सकता है कि कौन सी हमारी चैनल में या तो हमारे ऑडियो में
कौन से एरर है तो हम उस पर हम अपना काम कर सके और इस जो एरर है उसको हम रिपीट ना हो पाए. ओके, तो थैंक यू, आपका दिन शुभमय हो.